मेरा तो लगभग खत्म हो गया है, ये तो सिर्फ निगल रही है। आयशा थोड़ा आराम से खाओ, तुम्हारे गले में फंस जाएगा। इसको देख के ही मेरी भूख बढ़ जाती है, ये सच में सब लड़कियों से अलग है। मुझे क्या हो रहा है, मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? ये तो कमाल था। कैसे इंसान कह सकते हैं? वाओ! अगर इस क्विज के सारे जवाब सही दिए तो इनाम मिलेंगे। ग्रीस की राजधानी कहाँ है? कितना आसान है, चुटकियों में हो जाएगा। हाँ, ग्रीस की राजधानी है स्पार्टा। ओ वीर, अपनी बेवकूफी पे हंस रहे हो? वैसे मुझे सही जवाब मालूम है, ग्रीस की राजधानी है रोम। हाँ, रोम है। वहाँ बहुत अच्छा पिज्जा मिलता है, ग्रीस पिज्जा के लिए जाना चाहता है। ओह, मुझे एक और प्लेट स्वादिष्ट पिज्जा खाना है। ओह आयशा, क्या बेवकूफी है, पता है तुम क्या बोल रही हो? इसका जवाब स्पार्टा है, ग्रीस की राजधानी स्पार्टा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, रोम है। और तुम बेवकूफ किसे बोल रहे हो? तुम हो बेवकूफ, तुम हमेशा बेवकूफियां करते रहते हो। ये कितनी प्यारी और खूबसूरत है, मैं क्या करूं, ये हर पल और प्यारी होती जाती है। ओ अच्छा, ठीक है, तो चलो दूसरों से पूछते हैं, वो पक्का मेरा साथ देंगे क्योंकि मैं ही सही कह रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, हारने के लिए तुम पूरी तरह तैयार हो जाओ क्योंकि मैं ही सही निकलूंगी। रॉय, तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हारा हाथ, क्या तुम हाथ हटा लोगी? क्योंकि मैं मुझे लगता है तुम सही कह रही हो, पर मुझे सच में मालूम नहीं। क्या तुम सबको हो क्या गया यार? सैम, यहाँ क्या चल रहा है? देखो मुझे क्या मिला, ग्रीस की राजधानी एथेंस है, समझे? ऐसा नहीं हो सकता, स्पार्टा नहीं है, एंटीना है। नहीं बाबा, तुम्हें थोड़ा और पढ़ना चाहिए, एंटीना नहीं, एथेंस, एथेंस। हाँ, मुझे यही लग रहा था, बस इतनी सी बात है। हे दोस्तों, मैं आइसक्रीम लाया हूँ, ये लो सबके लिए। आज तुम्हें क्या हो गया है सैम? खैर, शुक्रिया। मेरा मन कर ही रहा था, तुम्हें कैसे पता चला? और एक आयशा के लिए ये सबसे बड़ी बची है। कोई बात नहीं आयशा, ये ले लो। ये तो वही है ना, मेरी पसंदीदा आइसक्रीम, दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम। टाटा। शुक्रिया सैम, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। ये सब क्या है, मेरी वाली छोटी और आयशा की इतनी बड़ी क्यों है सैम? यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। सैम, तुम्हें आयशा पसंद है? ये क्या कह रहे हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बकवास है, आयशा को कौन पसंद करेगा? ये सबसे ज्यादा खाती है, कितना चिल्लाकर बात करती है, गुस्से में बोलती कम मारती ज्यादा है, तुम्हें कोई पसंद कैसे कर सकता है? ओ, सच में बातें कम मारती ज्यादा हूँ क्या तुम्हें? सच में मेरी मार खानी है? शांत हो जाओ आयशा, पसंद करने की कोई वजह नहीं होती। किसने कहा मैं इसे पसंद करता हूँ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। दिक्कत क्या है, तुम मुझे पसंद नहीं करते ठीक है, पर तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है। ये तो प्यार में झगड़ने भी लगे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ओ सैम, मैंने कहा मुझे ये पसंद भी नहीं, अब बस करोगे तुम लोग? ऐसा है, सिर्फ तुम्हें बुरा नहीं लग रहा, मुझे भी तुम कदे पसंद नहीं हो। हे आयशा, मैंने अभी अभ्यास पूरा किया है और अब मैं घर जा रहा हूँ। ओ अच्छा, तुम्हें यहाँ ऐसे देख के अच्छा लगा, मुझे नहीं लगा था तुम ऐसे मिल जाओगे। ये है मेरी दोस्त हानी। हानी देखो, ये मेरा दोस्त सैम है, हाय बोलो इसे। हेलो,
तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है, मिलते हैं। अरे सैम, तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है, सच में ये कितनी अच्छी बात है। ओ हाँ, हम तब से दोस्त हैं जब हम बच्चे थे हनी। ये तो कमाल है। आयशा, क्या तुम मुझे उसे मिलवा सकती हो? उससे मिलवाना मतलब डेट पे जाना? हाँ, मैं सैम को बहुत पसंद करती हूँ। क्या तुम एक बार अपनी दोस्त की मदद नहीं करोगी? ये मेरी आखिरी इच्छा है। ठीक है, मैं उससे पूछूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। सैम, तुम कल क्या कर रहे हो? मैंने सुना है कल एक वॉचकार थीम पार्क का उद्घाटन है, क्या तुम चलना चाहोगे? वॉचकार थीम पार्क? हाँ, वो क्या है आयशा? वो मैंने सुना है वो कोई मनोरंजन उद्यान है जहाँ तुम अपनी वॉच कार्स के साथ खेल सकते हो। वाह, ये तो मजेदार है। हे, चलो हम सब वहाँ जाकर मजे करेंगे, चलो चलें। नहीं, इस बार सिर्फ मैं और सैम जाएंगे, तुम लोग नहीं। क्या, सिर्फ तुम और मैं? बस हम दोनों? क्या कहा तुमने अभी? तुम लोग अकेले में क्या करने वाले हो? क्या तुम दोनों डेट पर जा रहे हो? डेट पर? डेट? क्या डेट? सैम और तुम डेट पे जा रहे हो क्या? सच में? हाँ? शर्म आ रही है। अरे चुप हो जाओ। सैम, तुम आ रहे हो? मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, मुझे नहीं जाना। ये सैम, बहुत मजा आएगा। चलो ना मेरे साथ। सैम, चलो साथ में चले। हाँ अच्छा ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, पर मुझे परेशान मत करो, ठीक है? ये तो हम जा रहे हैं तुम और मैं, है ना? सैम, मुझे आज बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। मैं इतना घबरा क्यों रहा हूँ? मुझे शांत रहना चाहिए, शांति। सैम। तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ा, माफ करना, हमें थोड़ी देर हो गई। थोड़ी सी? हाँ, यहाँ आते वक्त मुझे हनी मिल गई। तुम पिछली बार इससे मिले थे ना? हाय, कैसे हो तुम? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जरूर। तुम्हें पता है मैं सच में यहाँ आना चाहती थी। जल्दी करो, अंदर चलते हैं। देखो तो कैसे चले गए, ये से कुछ ज्यादा ही पसंद करती है। मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। सैम, तुम कहाँ रहते हो? मैं भी पास में ही रहता हूँ। अरे वाह, सच में? तो क्या तुम यहाँ पार्क में अक्सर आते हो? अरे वाह, क्या इत्तेफाक है, मैं भी यहाँ अक्सर आती हूँ। शायद हमारा मिलना लिखा हुआ था, तुम्हें नहीं लगता? सब लोग आओ, यहाँ वॉच कार्स के साथ मजे करो। और अब थीम पार्क के उद्घाटन का जश्न मनाने के लिए हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अपने सामने रखी चमकदार सोने की गाड़ी में अपनी वॉच कार को बैठाइए। वाह, ये मजेदार लगता है, चलो हम चलते हैं। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। ओह, चलो ना। इवान को भी मजा आएगा। स्वागत है, स्वागत है आप सबका। जोड़ियों के लिए खास प्रबंध है यहाँ। यातकालीन। ये तो बढ़िया है। सैम, चलो साथ में चलते हैं। आराम से चल जाओ। हाँ, ये तो मजेदार लग रहा है, सोना को भी इसकी सवारी करनी चाहिए। आयशा, इस गाड़ी के सामने हम दोनों की एक तस्वीर खींच दोगी क्या? हाँ जरूर, मैं बहुत सुंदर तस्वीर खींचूंगी। सैम, मेरे साथ तस्वीर लो ना। ठीक है। मुझे तस्वीरें लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। ओह, ऐसे मत करो, मेरे साथ पोज बनाओ ना। अपने हाथों से दिल का आकार बनाते हैं, उससे हम सचमुच की जोड़ी लगेंगे। बिल्कुल नहीं। सैम, क्या हुआ, क्या बात है? माफ करना, पर अब मुझे जाना होगा। सैम, क्या बात है, तुम अचानक इस तरह क्यों कर रहे हो?
मैं यहाँ फालतू के खेल खेलने नहीं आया था। फालतू के? फालतू के खेलों से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मुझे माफ कर दो, मैंने ही सैम को दुखी किया होगा। तुम माफी क्यों मांग रही हो? ये तो बस एक प्यारी सी तस्वीर लेना चाहती थी, इस पर गुस्सा आना चाहिए क्या? मैं ऐसी चीजें करने में अच्छा महसूस नहीं करता, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझी? ये कह रहा है मैंने इसे गुस्सा दिलाया। हनी तुम्हारी गलती है जो तुम उसे साथ लाई। वो बस तुम्हें पसंद करती है और कुछ नहीं। अगर तुम्हें इस बात पे गुस्सा आता है तो तुम पागल हो। देखो कौन बोल रहा है, तुम हमेशा अपने मन की ही करती हो। मुझे तुम्हारे साथ यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं यहाँ आया था सिर्फ तुम क्या क्या कहा? क्या था ये? वो मैं क्या? तुम लोग क्या करना चाह रहे हो? तुम लोग हमारे जाल में फंस गए हो, तुम सब के सब बेवकूफ हो सच में। इस गाड़ी में रखी सारी वॉच कार्स अब हमारी हैं। पर तुम लोग हो कौन और ये सब क्यों कर रहे हो? जानना चाहोगे हम कौन हैं? अब पूछा है तो मैं बताती हूँ, हम हैं इकलौते। अंधेरे के पीछे छुपी परछाइयों का चेहरा, सबसे तेज काया और रोबी, काली परछाइयां। वॉच कार्स के लिए शुक्रिया, मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगी। काया मुझे भी साथ ले चलो। आशा आशा संभल के हट जा। आयशा, इन सब के लिए वक्त नहीं है, हमें जल्दी जाकर सोना को ढूंढना होगा। सोना! आयशा, अरे रुको, मैं आ रहा हूँ। मुझे सच में बहुत शानदार लग रहा है। कोयो, मुझे अपने साथ लेकर चलो, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये बेवकूफ गाड़ी में क्यों नहीं बैठा? जल्दी करो। सैम और आयशा डेट पर जा रहे हैं। कसम से जो भी हो मुझे उन्हें देखना है। ये हो क्या रहा है? वापस दो वरना हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। वो कह रही है हमें छोड़ेगी नहीं। अरे बेवकूफ जल्दी करो। वो एवान और सोना है। एवान और सोना के साथ कुछ गलत हो रहा है, हमें उन्हें बचाना होगा। रॉकेट पंच आक्रमण। वो क्या है? सोना, ओ सोना, मैं डर गई थी कि मैं तुम्हें खो दूंगी सच में। तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? सब ठीक लग रहे हैं, शुक्रिया दोस्तों। लेकिन तुम लोग इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? हम तुम्हारी डेट हमें पता चला मॉन्स्टर वॉच कार्स आई हैं, तो हम यहाँ आ गए। ये बदमाश छोटे बच्चे फिर से हमारी योजना बिगाड़ रहे हैं। मुझे हमारी योजनाओं में गड़बड़ करने वालों से सख्त नफरत है, मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। जल्दी आओ मॉन्स्टर वॉच कार। विशाल है, मैंने इतनी बड़ी मॉन्स्टर वॉच कार पहले कभी नहीं देखी। ये जितनी बड़ी है उतनी ही ताकतवर होगी, सब लोग संभल के। तुम हमारे काम में दखल देते रहे हो, पर इस बार नहीं। ये मॉन्स्टर वॉच कार अपने कमाल की शक्ति और रफ्तार के लिए जानी जाती है। तुम जैसे छोटे बच्चे इसका मुकाबला नहीं कर सकते, सुना तुमने? समझ जाओ।
क्या तुम लोग बोलते ही रहोगे? अब डींगे मारना बंद करो और मैदान में आओ। धीर छोटे बच्चे, आज मैं तुम्हें तमीज सिखा कर ही रहूंगी। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, स्पीड मिसाइल आक्रमण। मिसाइल के बदले मिसाइल क्यों नहीं, क्रेजी मिसाइल आक्रमण। और अब हमारी बारी, ब्लू पल्स गन आक्रमण। ये वांग की तरफ से स्टील कैनन बॉल आक्रमण। हमारे हमले से उसका कुछ नहीं बिगड़ा, अब क्या करें? तो अब हम उसको हर तरफ से घेर लेंगे और एक साथ वार करेंगे। हाँ, चलो उन्हें दिखा दें कि उन्हें हमसे पंगा नहीं लेना चाहिए। हाँ, तुम्हें लगता है इस तरह की योजना हम पर काम करेगी? स्पीयर मिसाइल आक्रमण। अब सब लोग एक साथ वार करो। आक्रमण। इसका बचाव तो बेहतरीन लगता है, हमारे हमले से कुछ नहीं हुआ। अब इनको हमारी रफ्तार दिखाते हैं। बूस्टर सक्रिय हो। इसकी रफ्तार को तो चकमा भी नहीं दे सकते। अब से तुम्हारी वॉच कार्स हमारे महान लक्ष्य को पाने में इस्तेमाल होंगी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ नरक कैसा होता है। फायर रेंज, सीधे उड़ो। सब लोग संभल कर रास्ते से हट जाओ। ओह, ये क्या है? ये तो पीछे पीछे चल रहा है। ये क्या, ये तो एक गाइडेड सिस्टम है, इससे बचा नहीं जा सकता। ये लो एक बार और, फायर रेन। ओ नहीं, वो लोग पिघल जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? ऐसा ही चलता रहा तो हम पलट कर हमला नहीं कर पाएंगे। हमें आग बुझाने का तरीका सोचना होगा। ठीक है, मैं लवली स्वान की मदद से आग बुझाने की कोशिश करूंगी। बढ़िया, उसके बाद सैम, मैडी और मैं मॉन्स्टर वॉच कार पर हमला करेंगे। तुम जितनी हेकड़ी दिखाते हो तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। हमला करो जल्दी। कितना मजा आ रहा है, ये लो सबसे बड़ी फायर रेंज। सोना, वक्त आ गया है। Have a coin, drive! सबसे बड़ी फायर रेंज आक्रमण। ये क्या हुआ? उन्होंने तो पूरी आग बुझा दी। हाँ, अब एक साथ अपनी ताकत लगाकर उस पर वार करते हैं। रॉकेट पंच, ब्लू बस्टर रेलगन आक्रमण। हाँ, ये बच्चे, हम इस तरह हार मानने वाले नहीं हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ हम क्या कर सकते हैं। तैयार हो जाओ, हेलफायर।
मैं दिखाता हूँ असली ताकत क्या होती है, आग की असली शक्ति। पावर कॉइन ड्राइव। फायरबर्ड आक्रमण। सुपर हीट हेलफायर आक्रमण। इतनी ताकतवर आग, ये तो कमाल था। ये तारीफ करने का वक्त नहीं है, ये मत सोचना सब खत्म हो गया। अगली बार हम इससे भी शक्तिशाली मॉन्स्टर वॉच कार के साथ आएंगे, देखते जाओ। काया, नहीं, रुको। याहू, हम जीत गए। ये, हमने कर दिखाया, हमने कमाल कर दिया। हे, तुम लोग क्या कर रहे हो, चलो जल्दी चलो। क्या कहा, तुम फिर हार गए? पर वो लेकिन हम लगभग जीत ही गए थे, पर वो बच्चे आ गए और फिर तुम देखते जाओ, एक दिन सच में सारी वॉच कार्स मेरी मुट्ठी में होंगी। यकीनन चाहे जो हो जाए, याद रखना।